फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन पर रूस के हमले से कच्चा तेल समेत कई कमोडिटी के दाम बढ़ गए हैं और आगे भी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सरसों के किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल भारत खाद्य तेलों का बड़ा आयातक है। यूक्रेन से बड़े पैमाने पर सनफ्लावर ऑयल का आयात होता है। युद्ध के कारण आयात बंद होने से आने वाले दिनों में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे देश में सरसों की खेती करने वाले किसानों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सरसों की कीमत MSP से काफी ज्यादा मिल सकती है। मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सरसों और रेपसीड की MSP 5,050 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। लेकिन बाजार में भी सरसों की कीमतों में इससे काफी अधिक चल रही है। मौजूदा वैश्विक घटनाक्रम से सरकार द्वारा खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण को भी झटका लग सकता है और खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का दौर शुरू होने की स्थिति भी बन गई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला ऐसे समय किया है जब भारत में सरसों की नई फसल आने ही वाली है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 371.5 लाख टन अनुमानित है। यह 2020-21 के 359.5 लाख टन की तुलना में 12 लाख टन अधिक है। 2021-22 में सरसों तथा रेपसीड का उत्पादन 101.97 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 114.59 लाख टन रहने का अनुमान है। सनफ्लावर का उत्पादन 3.14 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 2.66 लाख टन रहने के आसार हैं। भारत में हर साल करीब 25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल की खपत होती है। पाम, सोयाबीन, सरसों के बाद चौथी सबसे ज्यादा खपत सनफ्लावर ऑयल की ही होती है। लेकिन इसका घरेलू उत्पादन मुश्किल से 50,000 टन के आसपास है। बाकी जरूरत आयात से पूरी होती है। देश में पाम ऑयल की सालाना खपत करीब 80 लाख टन, सोयाबीन ऑयल की 45 लाख टन और सरसों की 30 लाख टन के आसपास है। इस पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी का कहना है कि उनके अनुसार यूक्रेन से हर महीने करीब 2.25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का आयात किया जाता है। यह आयात काला सागर के बंदरगाहों के जरिए होता है और उधर अभी रूस की सेना तैनात है। वैसे भी युद्ध ग्रस्त यूक्रेन से फिलहाल आयात की कोई उम्मीद नहीं है। इस हालात में जहाजों का बीमा प्रीमियम भी काफी बढ़ जाता है। अतुल चतुर्वेदी के अनुसार रूस से भी आयात में दिक्कत होगी क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते LC खुलने में दिक्कत आएगी। उन्होंने बताया कि सनफ्लावर ऑयल का आयात अर्जेंटीना से भी होता है लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अर्जेंटीना यूक्रेन का विकल्प नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति भारत के सरसों किसानों के लिए काफी अच्छी रह सकती है क्योंकि उन्हें MSP से काफी अधिक कीमत मिल सकती है। सरसों का MSP 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि राजस्थान की मंडियों में यह अभी वर्तमान में लगभग 6,700 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक ही बिक रही है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में देश में 25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का आयात हुआ। 2020-21 में आयात 22 लाख टन का रहा। 2019-20 में यूक्रेन से आयात 19.3 लाख टन का और 2020-21 में 17.4 लाख टन का रहा। 2019-20 में रूस से सनफ्लावर ऑयल का आयात 3.8 लाख टन और 2020-21 में 2.8 लाख टन किया गया। कुछ आयात अर्जेंटीना से भी हुआ था। 2019-20 में 1.7 लाख टन और 2020-21 में 1.4 लाख टन। वैसे सनफ्लावर ऑयल की कीमत रूस के हमले से पहले ही बढ़ने लगी थी। 23 फरवरी को कच्चे सनफ्लावर ऑयल की मुंबई में आयातित कीमत $1,630 प्रति टन थी। एक सप्ताह पहले ये $1,500 और एक साल पहले $1,400 के आसपास थी। सनफ्लावर ऑयल के साथ दूसरे खाद्य तेल भी महंगे होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में।
बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।